हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं दोस्तों आज आप लोगों के सामने कुछ न्यू वैकेंसी लेके आया हूँ जो है क्रोएशिया के लिए। तो मेरा क्रोएशिया के लिए स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि जो भी भाई मेरे से जुड़े हैं या नए जुड़ने वाले हैं और न्यू वैकेंसी के लिए वेट करते रहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू वैकेंसीज के लिए और हमारी पोलैंड के लिए इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें से आपको न्यू इन्फॉर्मेशन और पोलैंड की जॉब के बारे में आपको हमारे चैनल के द्वारा पता हो सके। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को कुछ न्यू वैकेंसी लेके आया हूँ जो है क्रोएशिया के लिए। तो मैं आज बताना चाहता हूँ कि जो भी है मेरे पास वैकेंसी है जो क्रोएशिया के लिए है दोस्तों, जिसमें है कंस्ट्रक्शन वर्कर, जो बिल्डर का काम रहता है, कंस्ट्रक्शन का काम रहता है, उसके लिए मेरे पास 100 लोगों के लिए वैकेंसी आई हैं जो है क्रोएशिया के लिए। और इसमें आपको एकोमोडेशन फ्री मिल जाएगा और सैलरी आपकी रहेगी लगभग 800 यूरो पर मंथ। जो भी दोस्तों अगर से अप्लाई करना चाहते हैं, और इसमें से आपको बता दूं और भी हैं मेरे पास, मैशन के लिए है और जनरल वर्कर के लिए भी है। अभी जो भी बंदा आप अप्लाई करना चाहते हैं क्रोएशिया के लिए, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कांटेक्ट करें और हमारे पार्टनर से कांटेक्ट करें, जो भी इन्फॉर्मेशन लेनी है उनसे, और जॉब पा सकें। और इसमें प्रोसेस टाइम है 90 दिन का, 90 डेज का, 3 महीने का, जिसमें आपको प्रोसेस टाइम जो है 3 महीने का लगेगा। इसमें आपको एकोमोडेशन मिल जाएगा, फूड कंपनी की तरफ से नहीं मिलेगा, आपको खुद का रहेगा। और इसमें आपको इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से मिल जाएगा, एयर टिकट आपकी रहेगी, और फूड जो है डिपेंड ऑन कंपनी। तो कंपनी अगर से कोई कंपनी प्रोवाइड भी करती है, कोई नहीं करती है, तो हमारे लिए हमारे पास ये वैकेंसी है। और कारपेंटर के लिए है, प्लम्बर, पाइप फिटर और स्टील फिक्सर है। तो दोस्तों ये हमारे पास वैकेंसी हैं, और भी वैकेंसी हैं जो स्किल जॉब में हैं, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कौन कौन सी वैकेंसी है। तो दोस्तों मैंने आपको क्लियर बता दिया। इसके पहले डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड जो है आपका पासपोर्ट रहेगा, CV रहेगी और अ पोस्टल पुलिस वेरिफिकेशन, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जो पासपोर्ट ऑफिस से अप्लाई करना है आपको, और उससे लेके आपको एक्सटर्नल अफेयर जो होता है उससे आपको वेरीफाई कराना है, जिसको अपोस्टल बोलते हैं। और आप दिल्ली में जाके, पटियाला हाउस में जाके, उधर ही आसपास में हैं आप, वो 400-500 रुपए का खर्चा आएगा। अगर से आप एजेंट के थ्रू कराएंगे तो आपको एक पेपर का 2000 से 3000 रुपये चार्ज किए जाएंगे। इससे अच्छा आप दिल्ली में जाके आप बना सकते हैं और अपोस्टल करा सकते हैं इजीली। तो दोस्तों अगर से आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों को जिनको जॉब की ज़रूरत है। और ये चार्जेबल है, इसमें चार्ज लगेगा जॉब के लिए। तो दोस्तों जो भी है बंदा इंटरेस्टेड है, सीरियस इंटरेस्टेड है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस नंबर में जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं बंदे से, और हमारे नाम से आप हमारा नाम रेफरेंस में दे सकते हैं कि हमने DK भाई के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं। तो दोस्तों जो भी है इन्फॉर्मेशन, और हमारे जो भी भाई नए जुड़ रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें से आपको न्यू वैकेंसी अपडेट होती रहेंगी हमारे चैनल के थ्रू। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं न्यू वैकेंसी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।